हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्र में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की असाइनमेंट। तो एक असाइनमेंट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपके टेस्ट के लिए है। आप लोग एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं, आप लोग ट्राई करने के बाद आपको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं तो आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे और अगले जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो कल एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 4 एंड 2x - y = 4, ये आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं। आपको करना क्या है, को ग्राफीय रूप से व्यक्त करें, इन रेखाओं और वाई अक्ष द्वारा बनाए त्रिभुज के शीर्ष लिखें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज बताना है, फिर उसके शीर्ष लिखने हैं और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए हमें दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, नंबर 1 और नंबर 2 आपको दिया है वाई एक्सिस। तो आपने सबसे पहले दो इक्वेशन के ग्राफ के पॉइंट निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास 2x - y = 4, सो वाई को इधर लेके आएंगे, 2x = 4 + y। अब आपके पास आ गया 2x = 4 + y, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, सो x = 4 + y / 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 0। तो जब हम लोग 0 पुट करेंगे, 4 + 0 = 4, 4/2 कटिंग करके 2 आ गया। तो जब हमने 0 आया तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन 4 + y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 2, सो 4 + 2 = 6, 6/2 कटिंग करके आपके पास आ गया 3। सो मैंने यहाँ से जब 2 पुट किया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, जो सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, y की वैल्यू हम लोग 4 पुट करते हैं, 4 + 4 = 8, 8/2 = 4, सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 जब y की वैल्यू हमने पुट किया 4। सो इसको भी हमने यहाँ पर इक्वेशन में लिख लिया। तो आपके पास टेबल बना, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई है। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी मेरे पास 2x + y = 4। पहले हम y को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का y आ गया, सो 4 - y, 2x = 4 - y, 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 4 - y / 2। सो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, सो 4 - 0 = 4, 4/2 कटिंग करके आपके पास 2 आ गया। जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 2, अगेन मैं पुट करता हूँ 2, सो 4 - 2 = 2, 2/2 = 1, सो जब हमने y की वैल्यू 2 पुट किया है तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, अगेन वैल्यू पुट करते हैं 4, सो 4 - 4 = 0, 0/2 = 0। तो जब आपने y की वैल्यू 4 पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 0। तो आपके पास टेबल हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। सो अब करना क्या है हमें, इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको ग्राफ को बना लिया है। ग्राफ बनाने के बाद सो ग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक राइट हैंड साइड में आपका x एक्सिस आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस x एक्सिस, ऊपर की तरफ आपका y एक्सिस और नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस, ऊपर आपका प्लस y एक्सिस आ गया। सो अब दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट था 2 and 0, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 मैंने लिख दिया, पॉइंट बनाया मैंने, पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ पर। सो इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने निकाला 3 and 2, सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सो 3 and 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आया मेरे पास 4 and 4, सो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 4, सो 4 and 4 हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन स्केल लेके हमने इसको खींच लिया, स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिला दिया और ये लाइन के ऊपर हमने जो इक्वेशन थी वो लिख लिया। इक्वेशन थी 2x - y = 4। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था मेरे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट थे 0 and 4, सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, सो y एक्सिस के ऊपर बनेगा 0 and 4। नेक्स्ट थी 1 and 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 and 2। नेक्स्ट था 2 and 0, सो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, सो हमने इसको भी एक इक्वेशन बना दिया, एक लाइन बनाई। सो लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर इक्वेशन आई है 2x
प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, उसको हमने ग्राफ के ऊपर लिख लिया। अब दोस्तों हमें कहा था कि वाई एक्सिस, अब देखना है सबसे पहले वाई एक्सिस कहाँ पर है। सो वाई एक्सिस है मेरे पास, ये रहा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ जो ट्रेंगल बन रहा है उसको देखना है हमने। सो वाई एक्सिस के साथ ट्रेंगल जो बन रहा है वो ए बी सी ट्रेंगल बन रहा है, हमने इसको बना लिया है। अब इसको करना क्या है, हमने पॉइंट्स पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं ए के पॉइंट्स, ए पॉइंट यहाँ पर है, सो ए के पॉइंट्स है 2 एंड 0। सो नेक्स्ट लिखते हैं बी, बी यहाँ पर है, बी वाई की वैल्यू 4 आ रही है और एक्स की वैल्यू 0, तो 0 एंड 4। नेक्स्ट लिखते हैं सी, तो सी मेरे पास यहाँ पर आया और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है एक्स की वैल्यू अगेन 0 और वाई की वैल्यू -4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया ए के शीर्ष हैं 2 एंड 0, बी के शीर्ष हैं 0 एंड 4 और सी के पॉइंट से 0 एंड -4। अब देखते हैं एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना शीर्षलम। सो दोस्तों शीर्षलम मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई होगी इसकी। अब ये कितना है देखते हैं, 0, 1 एंड 2, सो आपके पास जो ऊंचाई हो वो होगी 2। अब देखते हैं इसका आधार, आधार कितना है देखते हैं, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ हो गया। नीचे की तरफ देखते हैं, 4 के बाद 5, 6, 7 एंड 8, तो आपके पास जो बेस है वो हो गया 8। तो एरिया में फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 × 8 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 8 यूनिट स्क्वायर, इकाई की पावर 2। सो इस तरह से आपका ये ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है हमें, 2 वर्ष पहले सलीम अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का था और 6 वर्ष बाद वह उसकी आयु का दोगुने से 4 वर्ष बड़ा होगा, अब वे कितने वर्ष के हैं। तो दोस्तों अब का मतलब है हमारे पास प्रेजेंट, तो आपने निकालना क्या है, आपने निकाली है प्रेजेंट एज, तो अभी हमने निकाली उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो कभी भी जब कभी भी कोई आपके पास आयु वाला क्वेश्चन आएगा आप हमेशा वर्तमान आयु मानेंगे। तो हमने मान लिया पहले सलीम की वर्तमान आयु एक्स वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष। अब सबसे पहले क्या था, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व हम पहले निकाल लेते हैं, 2 वर्ष पूर्व सलीम की आयु। अब देखो जब कभी भी बेटा हम लोग पूर्व की बात करते हैं, बिफोर की बात करते हैं, बिफोर में हम लोग उतने साल माइनस कर लेते हैं जितने साल पहले की बात करते हैं। अभी 2 साल पहले की बात कर रहा था, तो जो इसकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु एक्स, तो 2 साल पहले 2 साल माइनस कर दिया, बेटी की वर्तमान आयु थी वाई, तो वाई में से 2 वर्ष, तो 2 साल पहले जो सलीम की आयु थी वो थी एक्स माइनस 2 और जो पुत्री की आयु थी वो थी वाई माइनस 2। सो अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व सलीम अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का था। तो दोस्तों ये याद रखना अपने 3 गुनी आयु, तो गुना किससे करते हैं हमेशा छोटी रकम, तो छोटी रकम कौन है, बेटी छोटी है। सो x माइनस 2 बराबर 3 × y - 2 हमने लिख दिया। अब इसको खोलते हैं, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 2 से करेंगे -6, तो अब इसके बाद y को एक तरफ लेके जाते हैं, इस तरफ लेके आएंगे, तो हुआ हमारे पास x, ये प्लस का 3y इधर आके -3y, x -3y, माइनस का 6 है, ये -2 इधर आके +2 हो गया, सो 6 माइनस का है और 2 प्लस का है, सो माइनस करेंगे तो इक्वेशन आपके पास होगी x -3y = -4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, और 6 वर्ष बाद, अब हमें निकालना है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद क्या हुआ, वो उसकी आयु के दुगने से 4 वर्ष बड़ा होगा, तो दुगना और 4 साल ज़्यादा। चलिए देखते हैं, तो 6 वर्ष बाद सलीम की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 और पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 6। सो अब क्या कह रहा है हमें, 6 वर्ष बाद वो उसकी आयु के दुगने से 4 वर्ष ज़्यादा, तो दुगना मीन्स 2 से गुना कर दिया, 4 वर्ष ज़्यादा मीन्स प्लस कर दिया, तो हमने +4 कर दिया। अब ब्रैकेट खोलते हैं पहले, 2 को y से करेंगे 2y, 2 को 6 से करेंगे 6 × 12, +4 आ गया बेटा। अब क्या करेंगे, इस 6 को इधर लेके आएंगे और इस 2y को इधर लेके आएंगे, सो पहले सॉल्व करते हैं, 12 और 4 कितना हो गया 16, सो अब इस 2y को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस 2y, 6 इधर आके 16 - 10 6, तो आपके पास इक्वेशन होगी एक्स माइनस 2y = 10। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, मैंने देखा एक्स और एक्स पहले से ही बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, निशान चेंज किया, कट गया, 3y का निशान माइनस का 2y का प्लस, तो 3 में से 2 गया 1 बच गया, निशान बड़ी रकम का माइनस का, इधर माइनस का 10 माइनस का 4 तो माइनस का 14 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू होगी 14। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ही हमारे पास x माइनस 3y = -4, तो
एक्स माइनस थ्री इंटू 14 इक्वल्स टू माइनस फोर, 14 को 3 से गुना करेंगे 42 बराबर माइनस चार, इस माइनस 42 को उधर लेके आएंगे, प्लस का 42 आ गया, तो 42 में से 4 माइनस कर देते हैं 38 आ गया। सो आपने आखिरी में से जरूर लिखना है सलीम की आयु बराबर 38 वर्ष और पुत्री की आयु बराबर 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कहते दो संख्याएं 5:6 में है, ठीक है, दो जो नंबर टू नंबर्स हैं वो 5:6 में है। सो यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए, तो अगर आप लोग 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बिकेम 4:5। सो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 5:4:5 हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना जो फर्स्ट नंबर है, पहली संख्या है वो है बराबर एक्स और जो दूसरी संख्या है वो बराबर वाई। सो पहले कह रहा था अनुपात कितना था हमारे पास, 5:6। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या बराबर 5:6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 6 से गुना करेंगे 6x और 5 को वाई से करेंगे 5y। तो 5y को इधर लेके आते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 आ गया, ये आपके पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड मुझे कह रहा था यदि हम दोनों में से 8 घटा दें तो कितना हो जाता है, 4:5। तो चलिए दोनों में से घटा देते हैं, पहले 8 हमने घटा दिया, x में से भी 8 घटा दिया, y में से भी 8 घटा दिया, तो कितना अनुपात हुआ, 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को x माइनस 8 से हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर 4 को y माइनस 8 से, तो 4 को y माइनस 8 से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे खोलते हैं, 5 को x से करेंगे 5x हो गया, और 5 को 8 से करेंगे 8 5 40, 8 5 40 हो गया, y को 4 से करेंगे 4y, और 4 को 8 से करेंगे 32 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y वाली रकम को इस तरफ लेके आते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 32, ये माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो गया। सो 32 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई, 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन माइनस 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे हम, इस 5 को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को ऊपर, तो फर्स्ट रकम को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को 5 से। तो देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करने पर 6 4 24 आ गया, 5 4 20 आ गया, एंड 0 को 4 से करेंगे 0 आ गया, 5 को 5 से करेंगे 5 5 25, 4 5 20 आ गया, और 8 5 40 आ गया। सो अब निशान चेंज करते हैं दोनों रकम के, हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये आपने लिखना है फर्स्ट माइनस सेकेंड। सो दोस्तों यहाँ पर 20y रकम कैंसिल हो गया, 24 और 25 x दोनों x वाले हैं, तो 25 में 24 गया, x रह गया, निशान बड़ी रकम का माइनस आ गया, इधर माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 40। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में मान भर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, 6 इंटू x, x की वैल्यू थी 40, 6 6 24, 240 हो गया, माइनस 5y बराबर 0। अब क्या करेंगे, 240 को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो माइनस का 240 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू 240 बटे में 5 जब आप काट देंगे तो 48 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास y का मान आ गया 48। तो आपने लिखना है प्रथम संख्या बराबर था x जो कि जिसका मान आया 40, और दूसरी संख्या बराबर y जिसका मान था 48। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कहते दो परीक्षा हॉल ए और बी में कुछ छात्र हैं, तो आपके पास दो हॉल हैं, एक ए और एक बी, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। प्रत्येक हॉल में छात्रों की संख्या बराबर करने के लिए 10 छात्रों को ए से बी में भेजा, तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये बनेगी कि ए और बी में अगर बराबर करें, अभी बराबर नहीं है, अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि ए में से बी में भेज दिए 10। सेकेंड यदि 20 छात्रों को बी में से, अब क्या करना है, बी में से ए में भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, हॉल ए के छात्रों की संख्या हॉल बी के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोनों हॉल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले हॉल ए में छात्रों की संख्या को x ले लिया और हॉल बी में छात्रों की संख्या को y ले लिया। सो सबसे पहले हमने कह रहा था कि अगर हॉल ए में से 10 छात्र हॉल बी में भेजे, अब देखो याद रखना है हम लोगों ने, जब छात्र भेजने हैं तो एक में माइनस होंगे और एक में प्लस होंगे, ए हॉल में x है तो ए हॉल में से 10 माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ से हमने 10 भेजे हैं, कहाँ पर भेजे हैं, बी में, तो बी में कितने थे, वाई, तो वाई में हमने
10 जोड़ दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो अब बराबर के लिए क्या करेंगे, हम y को एक तरफ लेके आएंगे और -10 को इधर लेके जाएंगे। सो x प्लस का था, y इधर आके माइनस वाई हो गया, तो x माइनस वाई, ये इधर प्लस 10 है और ये -10 इधर आके प्लस हो गया। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी x माइनस वाई बराबर 20, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में मुझे कह रहा है कि अगर हम हॉल बी में से हॉल ए में 20 लोग 20 बच्चे भेज दें तो क्या होता है, डबल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हॉल बी में कितने थे, वाई थे, उसमें से 20 हमने घटा दिए और कहाँ ऐड कर दिए, हॉल ए में ऐड कर दिए। तो अब जो हॉल ए के बच्चे हैं वो जो बी में बचे हुए बच्चे हैं उसके दुगना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोलते हैं, एक्स प्लस 20, 2 को वाई से करेंगे 2y, 2 को 20 से करेंगे 40 आ गया। अब देखते हैं आगे, सो x ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया, x माइनस 2y, ये इधर माइनस का 40 है, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन बनी x माइनस 2y बराबर माइनस 60। तो दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई बराबर 20, दूसरी थी x माइनस 2y बराबर 60। सो हम दोस्तों करते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, निशान बदल देते हैं, x का निशान आपका माइनस हो गया, माइनस 2y का प्लस हो गया और माइनस 60 का प्लस हो गया। सो x x कैंसिल, 2y का निशान प्लस, y का निशान माइनस, तो माइनस कर दिया, 2y में से 1y गया, y रह गया, 60 और 20 80 हो गया। तो आपके पास y की वैल्यू होगी 80। अब क्या करते हैं, y का मान इक्वेशन एक में भरते हैं। इक्वेशन एक बोलती है x माइनस 80 इक्वल्स टू 20, सो माइनस का 80 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 80 और 20 100 हो गया। तो आपके पास हॉल ए में x बच्चे थे, x कितने हैं 100, सो हॉल ए में आपके पास बच्चे थे 100 और हॉल बी में थे 80, ये आपने आंसर लिख देना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं एक दुकानदार किराए पर किताबें पढ़ने के लिए देता है, वह पहले 2 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क लेती है और उसके प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क लेते। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो आपने एक्सरसाइज 3.4 की है उसमें क्वेश्चन है लाइब्रेरी वाला, सेम उसी की तरह है। तो इसमें वो क्या करती है, 2 दिन के लिए तो एक उसका फिक्स चार्ज है, उसके बाद वो क्या करती है, पर डे चार्जेस लेना शुरू करती है। तो 6 दिन के लिए हमें वो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 6 दिन के लिए 22 रुपये दे रहे हैं और 4 दिन के लिए 16 रुपये दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। तो लास्ट में आपसे पूछा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए निर्धारित शुल्क और शुल्क याद करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। हमने मान लिया कि प्रथम 2 दिन के लिए जो नियत शुल्क है, जो फिक्स चार्ज है, वो है ₹X, और जो प्रतिदिन शुल्क है वो है ₹Y। ठीक है, तो चलिए 6 दिन की बात करते हैं। तो 6 दिन के लिए मैंने क्या किया, दोस्तों 6 बॉक्स बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो पहले 2 दिन के लिए तो उसने फिक्स है कितना लेना है, एक्स, तो बाकी हर दिन के लिए वाई। तो कितने बच गए, 4 में से 6 में से 2 माइनस कर दिए 4, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 वाई हो गए और 1 एक्स हो गया। तो टोटल चार्ज कितना लेगा, वो लेगी एक्स प्लस 4y, तो x प्लस 4y 6 दिन के लिए कितने लिए उसने, 22। अब बात करते हैं 4 दिन की। तो 4 दिन के लिए पहले 2 दिन के लिए उसने ले लिया x, आगे कितने दिन बचे, 2, तो 2 के लिए 1 और 1 2 2y हो गया। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनी x प्लस 2y इक्वल टू 60। अब दोस्तों दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 4y बराबर 22 एंड x प्लस 2y बराबर 16। अब क्या करेंगे, दोनों को फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, x और x कैंसिल, इधर से 4y प्लस का है और 2y माइनस का, तो 4y में से 2y गया 2y, 22 में से 16 गया 6। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, 6/2 आपके पास आ गया 3। सो y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखते हैं y का मान इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 थी x प्लस 2y बराबर 16, तो 2 × 3 = 6, 16 में से 6 माइनस किया 10। तो आपके पास प्रथम 2 दिन का शुल्क आ गया ₹10 और जो प्रतिदिन का शुल्क है वो आ गया ₹3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 4 कलमों और 4 पेंसिल बॉक्स की कीमत ₹100 है, एक कलम की कीमत की 3 गुनी पेंसिल बॉक्स की कीमत से ₹15 अधिक है, एक कलम और पेंसिल बॉक्स की कीमत पता करो। ठीक है, तो आपको निकालना है एक कलम की कीमत क्या है बॉक्स की और एक पेंसिल बॉक्स की। तो दोस्तों हमने मान लिया एक कलम बॉक्स का रेट ₹X और पेंसिल बॉक्स का ₹Y। तो पहली क्वेश्चन देखते हैं, 4 कलम बॉक्स और 4 पेंसिल बॉक्स टोटल कितना था 100। तो एक कलम बॉक्स का x था, 4 का कितना हो गया 4x, एक कलम एक पेंसिल का y था, तो 4 का कितना हो गया 4y, इन दोनों को मिला के ₹100। तो 4 से तीनों रकम में डिवाइड हो रही है, 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे, इक्वेशन आ गई x प्लस वाई बराबर 25। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन मुझे कह रहा है कि जो कलम है, कलम का 3 गुना
जो आपकी पेंसिल है उसके उससे 15 रुपये अधिक है। तो हमने 3x बराबर वाई प्लस 15 लिख दिया। वाई को उधर लेके आते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 15, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। अब मैंने देखा वाई वाई ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड। क्यों? क्योंकि वाई का निशान पहले से चेंज है, तो वाई वाई कट गया। 3x और 1x को जोड़ दिया 4x, और 25 और 15 को जोड़ दिया 40। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 40 बटे में 4 10। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन एक में पुट करते हैं। सो इक्वेशन एक क्या थी दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 25। सो 10 प्लस वाई बराबर 25, तो 10 को इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 10 कितना हो गया, 15। तो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 15। सो एक कलम बॉक्स का मूल्य हो गया 10 रुपये, और एक पेंसिल बॉक्स का हो गया 15 रुपये। तो दोस्तों ये आपने लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th and 10th, वो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप असाइनमेंट इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।